नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा है। आईटीआई में जिन बच्चों की बैक आई थी उनकी सीबीटी परीक्षा कुछ माह पहले करा दिया था, और इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में जिन विद्यार्थियों की बैक आई थी 2014 से लेकर के 2021 तक के सत्र वाले विद्यार्थी हैं जिनके इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में बैक आई थी, उनकी परीक्षा फरवरी माह में कम्प्लीट करा गई। कल उन विद्यार्थियों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका इंजीनियरिंग ड्राइंग या प्रैक्टिकल में या सीबीटी परीक्षा में उन विद्यार्थियों के अंक नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एससीबीटी के द्वारा उनको अप्रूव नहीं किया, इसलिए नंबर नहीं जुड़े, जैसा कि मेल में दिखाया गया है। और मेल में ये भी बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नंबर नहीं जुड़े, तो वो विद्यार्थी अपने कॉलेज या स्वयं के माध्यम से वह डीजीटी पोर्टल पर कंप्लेन टूल में जाकर के एग्जामिनेशन प्रोफाइल में एक कंप्लेन दर्ज करा दें, अपनी बातें उन्हें लिख करके भेज दें। यदि 24 तारीख तक या 24 मार्च तक बहुत विद्यार्थियों का यदि कंप्लेन दर्ज नहीं होगा तो उन विद्यार्थियों के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी 24 मार्च तक अपना कंप्लेन दर्ज करा दें, जिससे कि उनका ग्रीवेंस पूर्ण हो सके। तो आइए हम अब जानते हैं कि डीजीटी पोर्टल पर कंप्लेन टूल में ग्रीवेंस कैसे डाला जाता है। टाइप करके एक नया पोर्टल खोल लेंगे जो कि एनसीबीटी का होगा। जैसे उसका होम पेज आएगा, होम पेज का इंतजार करेंगे। देखिए उसके बाद इस तरह आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप का। उसके बाद इसमें देखें, ये कंप्लेंट टूल पर चले जाएंगे, और कंप्लेंट टूल दो दिए ग्रीवेंस, तो लॉग इन ग्रीवेंस, और नीचे दिया व्यू। व्यू का मतलब है कि हम बाद में अपना देखेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ है ग्रीवेंस का, तो हम इस व्यू में चले जाएंगे। लेकिन हमें जाना है कंप्लेंट करने के लिए। यहाँ पे सीधे नाम लिखना है, जो भी कैंडिडेट इसका डालना चाहते हैं, अमीर कुमार, जैसे हमने अमीर कुमार का ग्रीवेंस किया है। इस बच्चे का सीधे किस चीज़ में है, या दो ऑप्शन आएंगे, एक प्रोफाइल, यदि इसमें नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी के नाम में भी कमी है तो इसे चूज करेंगे, और एग्जामिनेशन रिलेटेड है तो हम एग्जामिनेशन रिलेटेड चूज करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर हम डालेंगे तो इसमें कैपिटल लाल लगा देंगे सबसे पहले। बच्चे का हम यहाँ रोल नंबर 1 डालेंगे, 1708090296666। जो भी आपके कैंडिडेट हो आप उस हिसाब से नाम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सेमेस्टर किस में डालना चाहते हैं, ईयरली में, सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं सेमेस्टर का दिखा रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि मैसेज आएगा, जो भी मोबाइल नंबर रहेगा मैसेज आएगा, हमें क्या करना है कि हम मैसेज ले लेंगे। हमने मोबाइल नंबर पर मैसेज लिया है, उसके बाद हम इंतजार करेंगे कि मैसेज आया नहीं आया। देखिए OTP आ गया, OTP हम यहाँ से फिलअप कर देंगे, NCBT का, जैसे हमारा आ गया 7180, अब सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद एक पूरा आ गया मैन इस पर। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले अब इसका एक बार हम बच्चे का रिजल्ट चेक कर लें कि किस में बच्चे का अपसेंट दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले NCBT MIS में, इसका हम मार्कशीट देख लेंगे आपके सामने। सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है। हाँ, अब हम देखें किस में फेल है। जैसे कि ये देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल दिखा रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग थर्ड पेपर है, इसमें फेल दिखा रहा है। तो हम ग्रीवेंस जो दिखाएंगे, ये है आपका, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पे फाइल ऐड करने के लिए कह रहा है। यदि जो भी सबूत हो आप इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे कि कॉलेज से अटेंडेंस लेकर के, या लेटर पेड पे कॉलेज से लिखवा करके उसे आप ऐड कर देंगे। जैसे इस बच्चे का है, हमने अटेंडेंस सेट इसमें लिया है और ऐड कर दिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का है यहाँ पे, कुछ भी अपने हिसाब से बन लिख देंगे।
Display. हमने लिख दिया कि मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर दिया था, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर दिया था लेकिन वहाँ पे एब्सेंट दिखा रहा है, तो इसलिए हमारे रिजल्ट को सही करने को करें। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमने कर दिया, अब ग्रीवेंस के लिए हम डाल देंगे इसके अंदर। ये कह रहा कि कम होना चाहिए, सॉल्व कर दीजिए। आई डन माय इंजीनियरिंग ड्राइंग, शॉर्ट में कर दीजिए जो ले लेगा, जैसे प्रेजेंट में कर दीजिए। स्पेशल करेक्टर अलाउ नहीं है, तो स्पेशल करेक्टर मतलब नोट करिए। जो भी यहाँ पे मिला है उसको नोट कर लीजिए, ये क्रीमेंस मिल गया। अब इस क्रीमेंस जो नंबर है इसको नोट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में एक बार चेक करके नोट कर लिया जाए। देखिए ग्रीवेंस इस बच्चे का पड़ा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रहा ईडी का है। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रीवेंस। ठीक है, इसमें देखते हैं एक बार क्या दिखा रहा है। देखिए इस तरह आप एनसीबीटी पोर्टल पर जिन बच्चों का एब्सेंट आया है ईडी में या प्रैक्टिकल में या किसी अन्य एग्जाम में आईटीआई के, आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो जैसा कि आप पोर्टल पर बैक पेपर का ग्रीवेंस किस प्रकार डाला जाता है, तो ग्रीवेंस डालने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और निकालने के बाद जिस सब्जेक्ट में बैक आई है उसका रिजल्ट निकाल लेंगे और एक एप्लीकेशन लगा कर कॉलेज में आप उन्हें सबमिट करेंगे और कॉलेज में बताएंगे प्राचार्य को कि मेरा इस सब्जेक्ट में बैक आया हुआ है, और वहाँ पे कॉलेज के माध्यम से एक मेल डीजीटी या एनसीबीटी या एससीबीटी तीनों को ही आप डॉक्यूमेंट के साथ मेल कर देंगे, जिससे कि 24 तारीख के बाद इन पर सुनवाई होगी और जो भी आपकी कमियाँ होंगी उनको पूर्ण कर ली जाएगी। और